सर्दियों के मौसम में तिल और आटे के लड्डू हमें ज़रूर खाने चाहिए, क्योंकि तिल और आटे के लड्डू हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा जायकेदार होते हैं। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे किचन में। और आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो तिल और आटे के लड्डू की रेसिपी है, जो बहुत ही ज़्यादा लजीज हैं और लजीज होने के साथ साथ हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, ये लड्डू जो होते हैं वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और सर्दियों में तो हमें इस तरह की गर्म ग़िज़ा का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए और बच्चे और बड़े सभी इसको खा सकते हैं। ये सभी के लिए बहुत अच्छे रहते हैं और इनको आप काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए स्टोर कर भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। फ्रेंड्स, इन लड्डुओं को बनाने में हमने ना तो चीनी का इस्तेमाल किया है, ना खोए का इस्तेमाल किया है और ना ही चाशनी का इस्तेमाल किया है, बल्कि घर के ही कुछ इंग्रेडिएंट्स से इनको हमने बनाया है और बहुत ही जल्दी बनकर ये तैयार भी हो गए हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल सी रेसिपी है इन लड्डुओं को बनाने की। आई होप फ्रेंड्स आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे तिल के कुछ बेनिफिट्स शेयर करना चाहूँगी फ्रेंड्स। तो तिल जो होते हैं वो हमारी बॉडी में जो ब्लड की हमारी मात्रा है उसको मेंटेन रखते हैं। तिल जो होता है वो फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स होता है, तो अगर आपने एक लड्डू भी खा लिया तो समझिए 10-12% जो फाइबर की ज़रूरत है वो आपकी बॉडी में पूरी हो जाएगी। और तिल जो होता है वो डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो भी इससे दूर हो जाती है। तो चलिए अब रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कप तिल लिए हैं और इनको अच्छे से हमें साफ़ करना है, क्योंकि इनमें कंकर कभी कभी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो जिससे हमारी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो पहले इन्हें अच्छे से बीन कर हम साफ़ कर लेंगे और अब इनको हम भूनेंगे। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई रख दी है गैस पर और अब हम इनको भूनना शुरू करेंगे। तो जब भी आप तिलों को भूनें तो फ्लेम को लो टू मीडियम रखें और लगातार चलाते हुए इसको हमने भूनना है, और हाई फ्लेम पर इसको आप बिल्कुल मत भूनिएगा, क्योंकि ऐसा करने से तिल जल जाते हैं और रेसिपी हमारी ख़राब हो जाएगी। तो चलिए अब जल्दी से हम तिलों को भूनेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इनको हम भूनेंगे लगातार चलाते हुए, और जब तिल चटकने शुरू हो जाएं तो आप समझ जाइएगा कि तिल भुनने शुरू हो चुके हैं। और ये देखिए हल्का सा गोल्डन कलर हमें चाहिए है, तो 6-7 मिनट हमें इसे भूनने में लगेंगे। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि इस तरीके से जब कलर इनका हल्का सा गोल्डन हो जाए तो आप फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा। तो चलिए अब इन तिलों को हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो एक प्लेट में इन्हें ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इस रेसिपी को और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैं यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, जैसे कि अखरोट और बादाम। तो सबसे पहले मैं आपको अखरोट के बेनिफिट्स बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, और यहाँ मैं बादाम का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून देसी घी लिया है, उसमें अब इन बादाम को हम फ्राई करेंगे। तो अब मैं आपको बादाम के बेनिफिट्स भी बता देती हूँ। बादाम के इस्तेमाल से टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो भी कंट्रोल में रहती है, और विटामिन ई का भी बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, बादाम भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो आप इनको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा, और आप देख सकते हैं कि हल्के हल्के से क्रैक्स इनमें आने शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि जो बादाम है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बस इसी स्टेज पर आप इनको घी से बाहर निकाल लीजिएगा, और फिर इसी घी में हम अखरोट को भी फ्राई करेंगे। तो 1-2 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए इनको भी फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, आप समझ ही गए होंगे कि कितनी ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है ये और कितने बेनिफिट्स हैं इसमें तिल के, बादाम के और अखरोट के, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो लीजिए, हमारे बादाम और अखरोट भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो इन्हें हमने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अब इस घी में हम ऐड करेंगे गेहूं का आटा। तो यहाँ पर हम गेहूं के आटे का इस्तेमाल करेंगे। तो 2 कप गेहूं के आटे का मैं इस्तेमाल करूँगी यहाँ, जिसको मैंने छान लिया है, और अब इसको हम घी में डाल देंगे और भूनेंगे। तो आटे का इस्तेमाल हम यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा करने से जो लड्डू हैं वो बहुत अच्छे से बाइंड हो जाते हैं। तो अब इस आटे को हमें लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर भूनना है, और ये देखिए इसमें हल्का सा घी कुछ कम लग रहा है मुझे, तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून के अराउंड घी और ऐड कर दिया है, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और लगातार चलाते हुए इसे भूनेंगे। तो आटे की पहचान ये होती है फ्रेंड्स भूनने की, कि इसमें से अच्छी सी महक आनी शुरू हो जाती है। तो आप समझ जाइएगा कि ये जो आटा है वो भुन गया है।
तो जब ये भून जाएगा तो इसमें से बहुत अच्छी सी महक आने शुरू हो जाएगी और इसी के साथ ही आटे का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, हल्का सा बादामी इसका कलर हो जाएगा। और तकरीबन 15 मिनट हमें इसे भूनने में लगे हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए इसका कलर आप देख सकते हैं, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, इस तरह का कलर हमें इसका चाहिए है, हल्का सा बादामी। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको आटे को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो चलिए आटे को प्लेट में निकालने के बाद में हम सेकंड प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने जो तिल भूनकर तैयार किए थे उनको हमें एक दरदरा सा पाउडर तैयार करना है। तो जब तिल पूरी तरह से ठंडे हो जाएं आप तभी उन्हें ग्राइंड कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने आटा तो रेडी कर ही लिया है, अब ये जो तिल हमने लिए हैं इनको हम ग्राइंड करेंगे। तो इसका एक दरदरा सा पाउडर हमें तैयार करना है। यहाँ मैंने एक ग्राइंडिंग जार ले लिया है और उसके अंदर डालकर इन्हें हम ग्राइंड करेंगे। तो पल्स मोड में इन्हें हम ग्राइंड करेंगे, एकदम से इन्हें ग्राइंड नहीं करना है। ये लीजिए इसका एक दरदरा सा पाउडर हमें रेडी कर लिया है। इसका टेक्सचर मैं आपको पास से दिखाती हूँ, तो आप देख सकते हैं इस तरह का टेक्सचर हमें इनका चाहिए है। तो अब इनको भी हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने जो बादाम और अखरोट फ्राई करके रखे थे इनको भी ग्राइंड करेंगे और इनका भी एक कोर्स पाउडर रेडी करेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, इसका भी हमने एक कोर्स पाउडर रेडी कर लिया है। इसका टेक्सचर भी मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, इस तरीके का इसका टेक्सचर हमें चाहिए है। इनको भी एक प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो ये जो हमने तिल रेडी किए थे ग्राइंड कर, इसी के अंदर हम ये अखरोट और जो बादाम हमने रेडी किए थे इनको भी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सिंपल सी रेसिपी है इन लड्डू को बनाने की। तो ये लीजिए हमने इन सारी चीज़ों को तो रेडी कर लिया है, अब बारी आती है इन्हें बाइंड करने की। तो चलिए इसके लिए हम यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे और अब इस बाउल के अंदर हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को ट्रांसफ़र कर देंगे जो कि हमने अब तक तैयार किए हैं। तो आज हम इन लड्डुओं को दो तरीके से बनाएंगे, एक शुगर वाले लड्डू तो बनते ही हैं फ्रेंड्स, एक शुगर फ्री लड्डू, क्योंकि जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं या जो डायबिटिक लोग हैं वो भी इन लड्डुओं को इंजॉय कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो आटा और ड्राई फ्रूट्स लिए थे उन सभी को एक बाउल में मिक्स कर लेंगे मिक्सचर को, और इन्हें अच्छे से मिक्स करना है हमने। ये देखिए आप हाथों से इस तरीके से इन्हें दबाकर देखिएगा, अगर ये बिल्कुल बाइंड हो जाता है तो समझ जाइएगा कि ये मिक्सचर हमारा सही है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसमें थोड़ी सी घी की कमी है। तो थोड़ा सा घी आप इसमें और ऐड कर दीजिएगा, और इसमें पानी और दूध का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने पानी और दूध का इस्तेमाल किया तो आप इन लड्डुओं को ज़्यादा लंबे टाइम तक के लिए स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि मैं इन लड्डुओं को दो तरीके से बना रही हूँ, एक शुगर फ्री लड्डू और एक शुगर वाले, तो यहाँ मैंने इन्हें टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दिया है। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हरी इलायची का पाउडर, तो 1/4 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये इलायची का पाउडर जो है फ्रेंड्स वाइट इसलिए है क्योंकि मैंने इसे शुगर डाल के ग्राइंड किया हुआ है। तो जो शुगर वाले हम लड्डू बना रहे हैं उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कप बूरा, आप चाहें तो शुगर को ग्राइंड कर भी ऐड कर सकते हैं। अगर मैं एक ही तरह के लड्डू बनाती तो इस पूरे मिक्सचर के लिए मुझे 2 कप शुगर की ज़रूरत थी, लेकिन क्योंकि अब मैंने हाफ इसको डिवाइड कर दिया है शुगर फ्री लड्डू बनाने के लिए, तो हाफ में हम 1 कप बूरे का इस्तेमाल करेंगे। और शुगर फ्री लड्डू बनाने के लिए मैं यहाँ पर शुगर फ्री पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर शुगर फ्री पाउडर लिया है। तो मैं दूसरे मिक्सचर में इसको ऐड कर दूँगी, और अगर आप चाहें तो अपने जायके के अकॉर्डिंग भी इसको डाल सकते हैं। तो पहले मैं आपको बूरे वाले मिक्सचर को बाइंड करके दिखाती हूँ। तो जिसमें हमने बूरा डाला था उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और अगर आपको लग रहा है कि ये बाइंड नहीं हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा घी आप और ऐड कर दीजिएगा। ये देखिए सबको मैंने मिक्स कर लिया है, अब इसको हम हाथों से अच्छे से मिक्स करने के बाद में बाइंड करके देखेंगे। ये देखिए
थोड़ा सा हमें इसमें घी कम लग रहा है तो थोड़ा सा घी हम इसमें और ऐड कर देंगे ताकि अच्छे से बाइंड हो जाए। और इस घी को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसके लड्डू बनाकर हम आपको दिखाएंगे। इसमें से मैंने थोड़ा सा मिक्सचर ले लिया है, अब इसके हम लड्डू बाइंड करेंगे। इसका लड्डुओं का साइज आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम शुगर फ्री लड्डू बनाएंगे, तो जो हमने शुगर फ्री पाउडर ऐड किया था उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद में हम थोड़ा सा मिक्सचर इसमें से लेंगे और इसको भी बाइंड करेंगे। इसमें हमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें हमने शुगर फ्री पाउडर डाला है, तो कम क्वांटिटी में डाला था तो इसीलिए ये अच्छे से बाइंड हो जाएंगे। उसमें हमने दूसरे वाले में बोरे का इस्तेमाल किया था तो उसकी वजह से थोड़ा सा घी कम हो गया था। ये देखें, और इसी तरीके से हम बाकी लड्डू भी तैयार कर लेंगे। जी फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम बाकी लड्डू भी बनाकर तैयार कर लेंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, सारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लड्डू है, हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा माउथ वाटरिंग है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो इस विंटर में इसको एक बार ट्राई करना तो बनता ही है, और हेल्थ के लिए ये है भी बहुत अच्छी। बच्चे हों या बड़े, सभी इसे बहुत शौक से खाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए अब मैं इसका आपको टेक्सचर भी दिखाती हूँ पास से, कि कितने ज़्यादा लजीज ये लड्डू बने हैं। ये देखिए, बहुत ज़्यादा माउथ वाटरिंग रेसिपी है, एकदम मुंह में घुल जाने वाले ये लड्डू हमारे बनकर तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब के बराबर मुझे बेल आइकन आता है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आगे आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।